नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कमीशन सर्विस सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, चलिए तो इसके पैटर्न को बताते हैं, बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें ज़रूरी क्या रहता है। तो याद रखना, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का है, सामान्य के लिए है 21 से 32 साल, और ओबीसी के लिए है 21 से 35 साल, और एसटीएससी के लिए है 31 से 37 साल तक। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट जरूरी रहता है एनी स्ट्रीम से। ठीक है, स्नातक। और अटेम्प्ट्स की बात करें तो ओबीसी के लिए है 9, जनरल के लिए हैं 6, और एसटीएससी के लिए जब तक इनकी एज जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक दे सकते हैं ये लोग। ठीक है, आपको बता दें इसका यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसकी अधिसूचना आती है, नोटिफिकेशन फरवरी तक आ जाता है, और आवेदन की तिथि मार्च अप्रैल तक रहती है, मार्च तक। और इसकी प्री परीक्षा होती है मई या जून में, और इसका मेंस होता है सितंबर अक्टूबर में। जैसे कि अभी 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है तो ये फरवरी में आ जाएगा, और आवेदन की तिथि रहेगी मार्च तक। और इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्लियर है 31 मई को होगी, याद रखना, और मेंस होगा लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स। प्रारंभिक परीक्षा, यह परीक्षा मई या जून में होती है। ठीक है, तो एग्जाम मोड की बात करें इसके, तो ये ऑफलाइन होती है। पेपरों की संख्या, सवालों की संख्या और कुल इसके अंक कितने के होते हैं, तो इसमें दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं, प्रत्येक 200 200 नंबर का रहता है। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है जो दो दो अंक का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। जबकि दूसरा प्रश्न पत्र सी सेट जो 2.5 अंकों का रहता है, प्रत्येक प्रश्न इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे प्रश्न पत्र सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, याद रखना परीक्षा की प्रकृति है क्वालिफाइंग, और परीक्षा की अवधि प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, और एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं, और दृष्टिबाधित छात्रों को 20 मिनट अतिरिक्त समय मिलता है, 2 घंटे और 20 मिनट। इसका एग्जाम की भाषा रहती है हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की रहती है। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, इसमें माइनस मार्किंग रहती है, हर गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने किसी सवाल का एक से ज़्यादा जवाब दिया और उनमें से एक सही भी हो गया तो भी जवाब गलत माना जाएगा, और उपयुक्त नियम के मुताबिक ही उनका नंबर काटेंगे, 1/3 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, अगर किसी सवाल को खाली छोड़ दिया जाता है, यानी जवाब में से कोई विकल्प नहीं चुना जाता, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी का अतिरिक्त मार्क्स नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, याद रखिए, अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं किसी क्वेश्चन को, सवाल को खाली छोड़ देते हैं, तो उसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, ना ही उसका कोई आपको नंबर मिलेगा। अभ्यर्थी को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% अंक चाहिए होते हैं, किसमें, सी सेट में, पेपर जो सेकेंड होता है प्रीलिम्स का, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखिए। और
जो पेपर फर्स्ट होता है सामान्य अध्ययन का, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक, और मेंस में पहुंच पाते हैं। लेकिन याद रखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई महत्व नहीं होता है, ये सिर्फ मेंस तक पहुंचने का जरिया है, ये कह लीजिए कि बच्चों को अलग करने का जरिया है, क्योंकि मेंस में अधिक लोग वही लोग पहुँचे जो सीरियसली तैयारी करके बैठे हुए हैं, यस, तो उन्हीं के लिए रहता है। तो प्री केवल क्वालिफाइंग या हटाने के लिए बच्चों को करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो याद रखना, प्री में दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और पेपर फर्स्ट के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तभी मेंस में आप पहुंच पाएंगे। लेकिन याद रखिए, मेंस में पेपर फर्स्ट का पहुंचने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके अंक नहीं जुड़ते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा, मेंस परीक्षा, लिखित परीक्षा। यह परीक्षा सितंबर अक्टूबर माह में होती है, ठीक है, याद रखिए, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा यह सितंबर अक्टूबर माह में होती है। इस परीक्षा में कुल 9 पेपर्स होते हैं, कितने, 9 पेपर्स होते हैं। पहला प्रश्न पत्र भारतीय भाषाओं का, ठीक, कोई भी भारतीय आपकी भाषा हो उसी का होता है प्रश्न पत्र पहला, ये 300 नंबर का रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा का होता है, ये भी 300 नंबर का रहता है अंकों का। याद रखिए, यहाँ भी याद रखिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंकों को अंतिम परिणाम में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिए, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक, इनका फाइनल मेरिट में लिस्ट कुछ कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है, याद रखिए, अंतिम परिणाम जो जारी होगा उसमें इसका कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ना ही प्री के दोनों पेपर के और ना ही पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड मेंस में जो होते हैं भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के, यानी कि अंक नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं जो अंक जोड़े जाते हैं जिनके फाइनल मेरिट बनती है। तो तीसरा प्रश्न पत्र जो निबंध का होता है, ऐसे राइट है, 250 नंबर का होता है, इसके अंक जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। फिर चौथा, पांचवा, छठवा तथा सातवां प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होते हैं, ठीक है, तो ये प्रत्येक प्रश्न पत्र 250 अंक का होता है, इसके भी अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है। आठवां और नौवां प्रश्न पत्र, ये दोनों पेपर वैकल्पिक विषय जिस जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके होंगे, तो याद रखिए दो पेपर होंगे, जैसे आपने इतिहास लिया या भूगोल लिया तो इसके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों 250-250 अंक के होंगे, हर प्रश्न पत्र 250 अंक का हुआ, ठीक है, याद रखिए, तो इसके भी नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपने कितने नंबर हो गए जो जिनमें मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल, तो याद रखिए 250 ही हो गए निबंध के, ठीक है। और चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा प्रश्न, ये भी प्रत्येक प्रश्न 250 अंक का है, ठीक है, और आठवां और नौवां प्रश्न दोनों पेपर वैकल्पिक विषय के हैं, ये भी हर प्रश्न पत्र 250 का है, तो इस प्रकार हमारे हो जाते हैं 1750, ठीक है, अंक 1750, ये अंक हो गए अपने। और फिर है इंटरव्यू, साक्षात्कार, यह फरवरी से अप्रैल माह के बीच में आयोजित होता है। इस सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार कुल 275 अंकों का होता है। इनमें अर्जित किए गए अंक आपकी मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। साक्षात्कार को हम अपनी मनपसंद भाषा में दे सकते हैं, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए, 1750 हो गए अपने मेंस के, ठीक है, कितने, 1750, और प्लस
275, कितने 275 अंक, इंटरव्यू भी हो गए, इस प्रकार टोटल हुए 2025। इसी के आधार पर फाइनल हमारी मेरिट लिस्ट बनती है और हमें कोई पद मिलता है, ठीक है। याद रखिए 2025 अंकों के आधार पर, याद रखिए प्रारंभिक परीक्षा केवल हमारी मेंस परीक्षा तक पहुंचने के लिए जरूरी है, उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं है। और जो पेपर फर्स्ट है हिंदी का है और अंग्रेजी का दूसरा पेपर, ये भी केवल क्वालिफाइंग है पेपर, ठीक है। ऐसे से हमारा निबंध से जो निबंध का है, उसके बाद 4 जीएस के पेपर हैं और फिर ऑप्शनल, इन्हीं के नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो चलिए ये था हमारा पैटर्न। अब बात करेंगे आगे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में, उसके बाद मेंस देखेंगे और फिर उसके बाद ऑप्शनल की बात कर लेंगे, ठीक है।